शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर देखी। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मुक्ति और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। पति ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती, मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी, मैं ही अपनी झूठी मर्दांगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है, पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कराए और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी क्रैम्स उठते हैं।
वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेला भूल जाया करता बोला। याद दिलाने के लिए तुम दो नहीं, आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वो बोला। गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा।